रेस्टोरेंट स्टाइल, ढाबा स्टाइल एग करी बहुत ही टेस्टी लगती है। चाहे आप इसे राइस के साथ खाएं या फिर आप इसे रोटी के साथ एंजॉय करें, बहुत ही टेस्टी लगने वाली रेसिपी है ये। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इसको बनाना विथ सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स। सो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं इस टेस्टी एग करी की रेसिपी को। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मम्माज किचन ऑलवेज ओपन। सो फ्रेंड्स, ढाबा स्टाइल एग करी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिए हैं एग्स। ये बॉइल्ड एग है 5 पीस, और यहाँ पे लिया है मैंने 1 कटोरी टमाटो प्यूरी, 2 ऑनियन, 1 छोटा टुकड़ा जिंजर का, कुछ लहसुन की क्लोव्स और 2 ग्रीन चिलीज। ग्रीन चिलीज का साइज थोड़ा बड़ा है इसलिए 2 पीस हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स भी ऐड करेंगे, तो इस वीडियो को पूरा देखिए और चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं एग करी। सबसे पहले लेंगे हम एक बर्तन, इसमें डाल दूंगी मैं 1 स्पून ऑयल, कोई भी वेजिटेबल ऑयल आप यूज कीजिए। थोड़ा सा इसमें डालेंगे हम रेड चिली पाउडर 1/4 स्पून, 1/4 स्पून इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, और 1/2 स्पून इसमें हम डालेंगे सॉल्ट। और अब इन सब चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब जो एग्स हमने लिए हुए थे फ्रेंड्स, उसको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करके ये सारा मसाला एग्स के ऊपर कोट हो जाए। ये देखिए, सारा मसाला अच्छे से कोट हो गया है, और इसको अब मैं रख देती हूँ साइड में 10 मिनट्स के लिए। तब तक हम नेक्स्ट प्रोसेस इसका स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए हम जो ऑनियन ली हुई थी उसको बड़े बड़े पीसीज में कट करके मिक्सचर के जार में डाल देंगे। ग्रीन चिलीज को भी हम 2 पीस में कट करके डाल देते हैं। गार्लिक को हम ऐसे ही इसमें डाल देते हैं क्योंकि हमें इसका एक पेस्ट कन्वर्ट करना है, और जिंजर को हम अच्छे से 2 से 3 पीस में कट करके डाल देंगे। और अब हम इसका बना लेंगे एक महीन सा पेस्ट। तो फ्रेंड्स देखिए, इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से पीस लिया है, इसका पेस्ट एक रेडी हो गया है। अब गैस पे रख देते हैं पैन हीट होने के लिए। पैन हीट हो गया है, इसमें डाल दिया मैंने ऑयल 1 टेबल स्पून भर के। ऑयल भी हमारा गरम हो चुका है, अब इसमें डाल देंगे हम क्यूमिन सीड्स, जीरा 1 चम्मच, और इसको थोड़ा सा सोटे होने देंगे। और अब इसमें फ्रेंड्स, हमने जो ऑनियन का पेस्ट रेडी किया था, ये पेस्ट अब हम इसमें डाल देते हैं सारा। और इसको अच्छे से हम भून लेंगे। ये अच्छे से भुन गया है, और अब इसमें ऐड कर देती हूँ मैं ये टमाटो प्यूरी, और इसको भी मिक्स करके हमें 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से भूनना है। सो फ्रेंड्स, जब तक ये भुनता है तब तक हम दूसरी गैस पे रख देते हैं एक और पैन हीट होने के लिए। पैन हीट हो गया है, इसमें ऐड करेंगे 1 स्पून ऑयल, और जो एग हमने रखे थे यहाँ पे इनको अब हम इसमें डाल के फ्राई कर लेंगे। इन्हें अच्छे से हमें फ्राई करना है। इसको ऐसे मिक्स करते हुए हमें चारों तरफ से इन्हें फ्राई करना है। तब तक हम अपना ये भी देख लेते हैं मसाला। सो टमाटो प्यूरी, ऑनियन पेस्ट, ये भी हमारा भुन चुका है। अब इसमें ऐड करते हैं हम मसाले। सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर,
हाफ स्पून हम लेंगे रेड चिली पाउडर, हमने ग्रीन चिली भी यूज़ किया है इसलिए थोड़ा कम लेंगे। हाफ स्पून लेंगे हम इसमें धनिया पाउडर, और एक चम्मच भर के लेंगे हम इसमें गरम मसाला, और इन सब चीज़ों को मिला के मसालों को इस पेस्ट के साथ हमें अच्छे से भूनना है जब तक कि ये अपना ऑयल रिलीज ना कर दे। इधर एग भी हमारे फ्राई होके रेडी हो गए हैं, और ये देखिए मसाले भी हमारे अच्छे से भून चुके हैं, ऑयल पूरा रिलीज हो गया है। अब इसमें ऐड करते हैं हम वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जिससे कि ये जो एग करी है एकदम ढाबा स्टाइल बनेगी। ये लिया है मैंने कर्ड दही, जिसमें नमक और थोड़ा सा गरम मसाला मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसको हम इसमें कर देंगे ऐड। और इसको मिक्स करते हुए हम वापस से 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। दही डालने से फ्रेंड्स जो मसालों का कलर है वो एकदम ढाबा स्टाइल लगेगा आपको, और बहुत ही टेस्टी ये एग करी बनने वाली है। अभी मिक्स करते हुए हमें इसे 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है जब तक कि इसका जो है एक अच्छा सा कलर नहीं आ जाता। और यहाँ पहले इस स्टेज पे हम इसमें सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट हमने अभी तक यूज़ नहीं किया था इसमें, तो सॉल्ट थोड़ा सा आप देख के डालें। एक स्पून मैंने यूज़ किया है क्योंकि जो एग्स को हमने डिप करके रखा था मैरिनेट करने के लिए उसमें भी हमने सॉल्ट यूज़ किया था, और इसे हम भून लेंगे। ये देखिए ऑयल पूरा रिलीज हो गया है, दही मसालों के साथ अच्छे से हमारी जो है भून चुकी है। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 गिलास पानी, जितना थिक या थिन आप इस ग्रेवी को रखना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आप वाटर इसमें यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा कलर इस ग्रेवी का आया है, तो 1 गिलास पानी मैंने यहाँ पे यूज किया है। इसे थोड़ा सा बॉयल होने देते हैं, तब तक हम अपने एग्स में लगा लेते हैं कट ग्रेवी में डालने के लिए। तो देखिए फ्रेंड्स एग्स में हम कुछ इस तरह से कट लगा देंगे ताकि ये जो है पूरा मसाला पूरी ग्रेवी इसके अंदर चली जाए। ये देखिए इस तरह से हम इसमें सारे एग्स में चारों तरफ कट्स लगा देंगे। फ्रेंड्स आपको मेरे हर वीडियो में कैट की आवाज़ आती होगी, मेरी ये पैट है और एग की खुशबू जो है इसको बहुत अट्रैक्ट कर रही है किचन में आने के लिए। इस तरह से हमें सारे एग्स में कट लगाने हैं, 3 से 4 ऑल साइड्स हम इसमें ऐसे कट लगा देंगे। ग्रेवी में बॉयल आना शुरू हो गया है, और अब हम इनको एग्स को ग्रेवी में डाल देते हैं। बहुत ही मज़ेदार एग करी रेडी होने वाली है हमारी, और एग्स को मिक्स करके अच्छे से हम इसको कवर कर देंगे, और इसको कवर करके हम 7 से 8 मिनट अच्छे से इसको बॉयल होने देंगे ताकि ग्रेवी का जो जूस है वो अच्छे से एग के अंदर जाए और बहुत टेस्टी लगे। ये देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा कलर और कितना अच्छा टेक्सचर इसका लग रहा है। एग करी हमारी रेडी है, निकाल लेते हैं इसको एक सर्विंग बाउल में। सो फ्रेंड्स रेडी है ढाबा स्टाइल एग करी की रेसिपी, ट्राई कीजिए, इंजॉय कीजिए एंड शेयर कीजिए कि आप लोगों को ये रेसिपी कैसी लगी। आप इसे रोटी के साथ खाएं या राइस के साथ, दोनों के साथ बहुत अच्छी लगती है ये। और फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरी रेसिपीज़ को लाइक एंड शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।